नमस्कार शिक्षार्थियों, आज हम गुणनफल, गुणनखंड, गुणांक विषय पर चर्चा करेंगे। इसके चर्चा के मुख्य बिंदु हैं गुणनफल का अर्थ क्या है, गुणनफल के क्या उदाहरण हैं, गुणनखंड की परिभाषा, गुणनखंड किसको कहते हैं, गुणनखंड को उदाहरणों से समझेंगे, पद के गुणांक क्या होते हैं और पद को गुणांक के उदाहरण से हम इस पूरी परिचर्चा में समझेंगे। गुणनफल पहले हम देखते हैं। हम जानते हैं कि गुणन 3 × 4 बराबर हमें कितना मिलता है, 12। इसमें 12 3 और 4 का गुणनफल है और 3 तथा 4 12 के दो गुणनखंड हैं। अंकगणित में गुणनफल वह संख्या है जिसे दो या दो अधिक संख्याओं को एक साथ गुणा करके प्राप्त किया जाता है। जैसे 2 और 1 का गुणनफल कितना है, 2। 2 और 2 का गुणनफल 4 होता है। 2 और 3 का गुणनफल 6 और 2 और 4 का गुणनफल 8 होता है और 2 और 4 का गुणनफल 10 है। इसी प्रकार से हम अनेकों संख्याएं और उसका गुणनफल लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसी के आधार पर चरों में किस तरह से हम गुणा करते हैं। हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि चर क्या हैं, अचर राशियाँ क्या हैं, तो बीजगणित जनरली चर राशियों से संबंधित है। तो इसमें देखते हैं कि चरों को हम किस तरह से गुणा करते हैं। जैसे 5 और y का गुणनफल 5 और y हो जाएगा, x और y का गुणनफल xy और y और z का गुणनफल yz हो जाता है। अब देखते हैं कि बीजीय व्यंजकों का गुणनफल हम किस प्रकार से करेंगे, अगर वह एकपदी हो, द्विपदी हो या उससे ज़्यादा पद उसमें हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि 2 एकपदी व्यंजकों का गुणनफल कैसे हम करेंगे। तो शिक्षार्थियों, इसके लिए हम घातांक के नियम और चिन्हों के नियम का प्रयोग करते हैं, जिससे आप भली भांति परिचित हैं। इसमें हम अचर पद को एक साथ गुणा करेंगे और 2 एक जैसे अक्षरों के घातांक को जोड़ देते हैं। जैसे 6a × 2ab करना हो तो हम पहले 6 का 2 से गुणा कर देंगे, फिर a दोनों पदों में कॉमन है और जब कोई घातांक नहीं दिया हुआ है तो उसको क्या, 1 घात होता है, तो a को घात क्या हुए, आपस में जुड़ गए, 1 + 1 = 2 हो गया और b पहले हैं। तो 6 में 2 का गुणा किया तो हमें कितना मिला, 12, और a में घात 1 और 1 जुड़े तो a² हो गया और b, इस प्रकार इसका उत्तर कितना हुआ, 12 a² b इसका उत्तर हो गया। अब हम देखते हैं कि अगर एक पद एक पदी हो और दूसरे में बहुपद हो तो उसका गुणनफल कैसे प्राप्त होता है। इस दशा में हम बहुपद के हर पद को एक पद से गुणा करते हैं और जो हमें बहुपद प्राप्त होता है वही उसका गुणनफल होता है। जैसे देखिए, एक पद है x²y और उसमें हम एक बहुपद थे y² + 2xy + 1 से गुणा करते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो ये एक पद है और बहुपद के हर पद से अलग अलग हम पहले उसमें गुणा करते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहला स्टेप हमारा होगा x²y का गुणा y² से होगा, फिर प्लस x²y का गुणा 2xy से हो जाएगा, फिर x²y का गुणा 1 से होगा। अब हम x²y × y² का गुणा करते हैं तो चूंकि दूसरे पद में x नहीं है तो ये वैसे ही रह जाएगा, x² हो जाएगा और y का घात 1 और घात 2 जुड़ के आपस में जुड़ेंगे, फिर प्लस 2x, इसमें एक पद में x² है और एक में x है, दोनों जुड़ के 2+1 उनके घात जुड़ जाएंगे और y का 1 घात और दूसरे y का 1 घात जुड़ के y² हो जाएगा और तीसरे पद में 1 से गुणा करेंगे तो वो ऐसे ही रहेगा, x²y ही रहेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसका गुणनफल हमें क्या प्राप्त हुआ, x²y³ + 2x³y² + x²y हमें उसका गुणनफल प्राप्त होता है। अब हम अगर देखें कि 2 बहुपदों का गुणन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। इस दशा में हम बहुपद के हर पद को दूसरे बहुपद के हर एक पद से गुणा करते हैं, उसके बाद हम एक जैसे पदों को इकट्ठा करके उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त बहुपद ही हमारा
गुणनफल होता है। जैसे 2n प्लस 3 में n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 4 का गुणा करेंगे, तो पहले व्यंजक का 2n लिया हमने और दूसरे व्यंजक के सभी पदों से गुणा करेंगे, 2n गुणे n स्क्वायर होगा, फिर 2n का गुणा माइनस 3n से होगा, फिर 2n का गुणा 4 से होगा, धन 3 का गुणा n स्क्वायर से, फिर 3 का गुणा माइनस 3n से, फिर 3 का 4 से गुणा होगा। 2n इंटू n स्क्वायर मिलके 2n क्यूब हो जाएगा, फिर 2n इंटू माइनस 3n 6n स्क्वायर प्लस 2n इंटू 4 8n और 3n स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो 3n स्क्वायर हुआ प्लस माइनस 3n में 3 का गुणा हुआ तो माइनस 9n हुआ प्लस 3 इंटू 4 12 हो गया। इस प्रकार से हमें क्या मिला, 2n स्क्वायर मिला। और हम ये देख रहे हैं कि इसमें 6 माइनस 3 कर देंगे तो n स्क्वायर हुआ प्लस 8 माइनस n को हमने बाहर ले लिया, n कॉमन है दोनों में, प्लस 12 किया तो हमें गुणनफल प्राप्त हुआ 2n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर माइनस n प्लस 12 प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं कि ये गुणनखंड क्या होता है। किसी व्यंजक में एक या एक से अधिक पद होते हैं, जैसे व्यंजक 3xy माइनस 4 में दो पद 5xy और माइनस 4 है। यहाँ 5xy 5x और y का गुणनफल है। हम कह सकते हैं कि 5x और y 5xy का गुणनखंड है। अतः किसी संख्या का गुणनखंड वह संख्या होती है जिन्हें आपस में गुणा करके पुनः वही संख्या प्राप्त की जा सकती है। हर संख्या अपने गुणनखंडों का गुणनफल होती है। एक अचर गुणनखंड को एक राशि गुणनखंड कहा जाता है, एक चर गुणनखंड को एक शाब्दिक या बीजीय गुणनखंड कहा जाता है। व्यंजक 5xy माइनस 6y में दो पद 5xy और माइनस 6y हैं। xy का गुणांक 5 और y का गुणांक माइनस 6 है। किसी पद का संख्यात्मक गुणनखंड उसका संख्यात्मक गुणांक या केवल गुणांक कहलाता है। हम किसी व्यंजक को उसके संगठित पदों और पदों के गुणनखंड में एक वृक्ष की तरह निरूपित कर सकते हैं। जैसे एक व्यंजक है 5mn माइनस 4, इसमें इसके पद कौन कौन से हैं, 5mn और माइनस 4, तो 5 और 5mn का गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, 5m और n हो जाएगा। फिर दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस y के मूल पद कौन कौन से हैं, 2x स्क्वायर 5xy और माइनस 1। पद 2x स्क्वायर में 2x और x का गुणनफल है, या 2x और x पद 2x स्क्वायर के गुणनखंड हैं। प्रत्येक पद अपने गुणनखंडों का गुणनफल होता है। पद 5xy 5x और y का गुणनफल है। इसको हम एक और उदाहरण देते हैं जिसमें हम एक वृक्ष आरेख के द्वारा देखेंगे। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी है, तो उसका जो प्रथम पद है ए एक्स स्क्वायर, द्वितीय पद क्या हुआ बी वाई और तृतीय सी हुआ। ए एक्स स्क्वायर के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, ए एक्स और वाई, बी वाई के गुणनखंड हो जाएंगे बी तथा वाई। इसी तरह ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर के भी गुणनखंड हम देख सकते हैं। उसका प्रथम पद ए एक्स स्क्वायर के गुणनखंड ए एक्स और एक्स होंगे, द्वितीय पद 2hxy के गुणनखंड 2hx और y होगा, और by स्क्वायर के गुणनखंड by और y होगा। अब पद के गुणांक क्या हैं, हम जानते हैं कि पद को गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में निरूपित करते हैं। इनमें से एक गुणनखंड संख्यात्मक हो सकता है, अन्य बीजीय हो सकते हैं। इस संख्यात्मक गुणनखंड को पद का संख्यात्मक गुणांक या केवल गुणांक कहते हैं, तथा इसको शेष बीजीय पद का गुणांक भी कहते हैं। जैसे 4xy में xy का गुणांक 4 है, 2xyz में xyz का गुणांक 2 है, तथा माइनस 5xy में x स्क्वायर y का गुणांक माइनस 5 होगा।
यहाँ ध्यान रखने तथ्य ये है कि गुणांक प्लस वन होने पर लिखते समय प्लस वन छोड़ दिया जाता है और माइनस वन को केवल माइनस से दर्शाया जाता है। इस प्रकार प्लस वन एक्स को सिर्फ एक्स और माइनस वन एक्स को माइनस एक्स लिखते हैं। बीजीय भाषा में गुणांक एक संख्या या प्रतीक है जिसे एक चर या एक अज्ञात मात्रा के साथ गुणा किया जाता है, अर्थात गुणांक वह संख्या है जो चर या अक्षरों से गुणा होता है। इस प्रकार 5x प्लस वाई माइनस सेवन में 5 एक गुणांक है। यह शब्द 5x में गुणांक है। इसके अलावा शब्द y को 1 × y के रूप में माना जा सकता है, इसलिए 1 भी एक गुणांक है। -7 क्या है? स्थिरांक है। कभी कभी गुणांक का प्रयोग व्यापक रूप में किया जाता है। उदाहरण स्वरूप पद 2xy में xy का गुणांक 2 है, 2y का गुणांक x है तथा 2x का गुणांक y है। इसे शेष गुणनखंडों के गुणनफल का गुणांक कहा जाता है। अब हम देखें कि इस पूरी चर्चा में हम लोगों ने क्या क्या मुख्य बिंदु निकल के आया, इसका सार क्या हुआ। तो पहला है कि एक पद गुणनखंडों का एक गुणनफल होता है। एक अचर गुणनखंड को एक राशि गुणनखंड कहा जाता है। चरों वाले गुणनखंड बीजीय गुणनखंड कहलाते हैं। जब किसी व्यंजक का गुणनखंड करते हैं तो हम गुणनखंडों के रूप में लिखते हैं। ये गुणनखंड संख्याएं बीजीय चर या बीजीय व्यंजक हो सकते हैं। बीजीय भाषा में गुणांक एक संख्या या प्रतीक है जिसे एक चर या एक अज्ञात मात्रा के साथ गुणा किया जाता है, अर्थात गुणांक वह संख्या है जो चर या अक्षरों से गुणा होता है। कभी कभी पद का कोई भी एक गुणनखंड पद के शेष भाग का गुणांक कहलाता है। धन्यवाद।